तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं दिल्ली से, तो हम वहाँ पे आज नाइट स्टे का भी प्लान है और खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। और मेरा हेलमेट का कवर कैसा लगा आपको, बहुत ट्रेंडिंग है इसलिए मैंने भी ले लिया। एंड स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, स्टे ट्यून। और हम बहुत सारे अलग लोगों से भी मिलने वाले हैं, विच इज़ आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ, क्योंकि एक गोस्ट ऑफ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आके मिलते हैं। तो मुझे ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं, तो चलते हैं, लेट्स गो, और मिलते हैं अपने बहुत ही फनी फ्रेंड्स से। लेट्स गो, बाय बाय बाय। रिएक्शंस भी रिकॉर्ड करेंगे कि मेरा हेलमेट कवर को देख के लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं। भाई कितने 500 का डाल दो। अच्छा मुझे वाला है, बस पता थोड़ी चलना बहुत होते हैं। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. दस मिनट से ऋषिकेश चौक पे इतना बदतमीज था पुलिस वाला, अपनी गाड़ी लेके खड़ा है और इतना ट्रैफिक हो गया उसकी वजह से। जब मैंने कहा कि ट्रैफिक हो रहा है, कह रहा हाँ सही कह रहे हो। सच इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स। सॉरी गली कोई ना 100 मीटर ही है। सुन पतला सा कट है, जहाँ तो खड़ी है ना ऊपर जा रहे हैं जगह कट पतला सा। हाँ हाँ
ठीक है, उस पे जैसे ऊपर चढ़ेगी हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात तो सुन पूरी। बोल। उसमें जैसे ऊपर चढ़ेगी ना राइट साइड में ना बैंक की पार्किंग है, बैंक के ऊपर चढ़ते राइट साइड पे बैंक दिख जाएगा। अच्छा SBI का बैंक है, उसकी पार्किंग में लगा के भाई पैदल पैदल सीधा ऊपर आ रही हो। चल ठीक है। बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी अभी हमने और गोल स्टॉप से वो चढ़ाई चढ़ के एकदम वहाँ पर। सो लेट्स गो इनसाइड। और यहाँ पे मेरे दोस्तों ने कर दिया मेरे साथ प्रैंक। ये कौन आ रहा है खरगोश? वो ऊपर से मेरा वीडियो शूट करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ तक बाइक आती थी, कह रहे हाँ आती थी। है हमारा गो स्टॉप ऋषिकेश और काफी अच्छा इनका डाइनिंग एरिया भी है। हमने यहाँ पे भी चेक इन भी किया है। ये देखो यहाँ का बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सर्व होगा। बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमने बंक बेड लिया है, वो कैसा दिखता है वो दिखाते हैं। ऐसा है यहाँ पर, मतलब सब जगह सेम ही होते हैं बंक बेड्स। और ये है मेरा वाला बेड ऊपर, यहाँ पे सी ये है। और ये है इसकी बालकनी, ये रही बालकनी। तो यहाँ से खैर ऐसा कुछ लुक तो नहीं है, वहाँ से थोड़ी सी बस गंगा जी दिख रही है, लेकिन छत से काफ़ी अच्छी गंगा जी दिखती है। तो आई वुड से अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या तो एक या दो फ्रेंड्स, सो गो स्टॉप इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये गो स्टॉप्स की ऐप अगर आप डाउनलोड कर लो तो आप कहीं पे भी अपना गो स्टॉप्स बुक कर सकते हो, और जो कि काफ़ी क्लीन और अफोर्डेबल प्राइसेस पे रहता है एंड इतना सेफ है, इतना क्लीन सब कुछ, और इंटीरियर्स भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। यहाँ पे मुझे ये वुडन पे जो पूरा विंग्स बने थे वो काफ़ी मुझे क्यूट लगे। इसके साथ मैंने अपनी वीडियो भी ली है। ये कितना मस्त है यहाँ का गो स्टॉप्स, गो स्टॉप्स ऋषिकेश, इतना प्यारा। और पूरा ये देखो ओम बना हुआ है। मुझे लग रहा है हर कहीं के गो स्टॉप्स में अलग बात होती होगी ना, जैसे ऋषिकेश का ना यहाँ पर योगा के, योगा से रिलेटेड देखो ये चीज़ें बनाई हैं। और ये इनकी बेडिंग, यहाँ सोफ़ा वगैरह, और एक दूसरे साइड भी है कॉमन एरिया। और यहाँ पर है स्नूकर टेबल, और कितनी प्यारी प्यारी चेयर्स, हैंगिंग चेयर, झूले, और ये, और यहाँ पर टीवी का मतलब प्रोजेक्टर। तो ये है गो स्टॉप ऋषिकेश का कॉमन एरिया। ये भी दिखेगा। तो ये है भाई बुद्धास कैफे, अभी हम यहाँ जा रहे हैं करने ऐसे थोड़ा बहुत लंच। तो भाई ऋषिकेश की ये वाली जो साइड है, यहाँ की ना वाइब्स बहुत प्यारी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरनर्स आपको ऋषिकेश में यहाँ दिखेंगे। तो इस एरिया को ना मतलब मेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस एरिया को, ऐसा नहीं है ना, ये है दोस्त मुदित, मुदित सब बोलो हाय ब्रोस, क्या पता लड़कियां भी हों, उनको भी ब्रोस पता नहीं इसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं। आप लक्ष्मण झूला से जब आएंगे तो जब लक्ष्मण झूला क्रॉस करेंगे ना, वो वाले साइड पे है ये पूरा बेल्ट। तो यहाँ पे एक से एक आपको कैफेज दिख जाएंगे। सो यू कैन विजिट दिस प्लेस अगर आपको इसराइली फूड बहुत पसंद है और जैसे फॉरेन टाइप रहते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं हमस एंड पीटा ब्रेड ये सब, तो इस एरिया में आप आ सकते हैं। ये रही भाई इसकी एंट्री, यहाँ से सीढ़ी से जाना पड़ता है ऊपर, और यहाँ पे एक छोटी सी भी शॉप मिल जाएगी जहाँ पे काफ़ी मतलब हिप्पी टाइप कपड़े दिख जाएंगे। तो ये है भाई बुद्धा कैफे, पूरा रिन्यू हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी फॉरनर्स भी आते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन विजिट दिस। अभी बुद्धा कैफे में आके हमने मंगाई है हॉट कॉफ़ी, और बहुत ही अनयूजुअल वे में यार अनयूजुअल वे में ये कॉफ़ी मिली है, बिल्कुल ग्लास में, और ऊपर है कोको पाउडर, और ये चीनी भी बड़ी अलग दी है ना। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? बस यही कि ब्राउन शुगर क्यों दी इसने है ना, बड़े अलग तरीके से कॉफ़ी पहली बार हम पियेंगे। और मंगाइए एक नेक्स्ट एक और डिश, वो भी अभी आएगी तो दिखाएंगे। अभी शॉक मिल रहे हैं, हमने तो बोला था सैंडविच, लेकिन ये ब्रेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा सैंडविच भाई
पहली बार खा रहे हम। देखो हमें कौन मिला ऋषिकेश में, क्यूटीज मिली, क्यूटीज मिल गई। हाय हाय, देखो दो दो पग्स कितने क्यूट लग रहे हैं। ओए मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, कितना क्यूट है, बिल्कुल मोमो जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट। हाय मेरा बेबी, छोटा सा बेबी, हाय। जानू भाई, हो चुकी है शाम और शाम को ना फ्रीडम कैफे, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप ऋषिकेश में शाम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अभी मैं और मेरे दोस्त लोग अभी हम फ्रीडम कैफे आए हैं, और यहाँ पर अगर हमें टेबल मिल जाता है गंगा किनारे, सो वील बी लकी ना। सो ये है भाई व्यू, मतलब आप देख रहे हो यहाँ, यहाँ तक बैठे और पूरी गंगा नदी आप देख पा रहे हो यहाँ से, बहुत ही प्लेजेंट व्यू है यहाँ पर। सो लेट्स चिल हियर अभी। ट्रिप टू ऋषिकेश भाई कैसा लगा यार? बढ़िया, इसमें ना कस्तूरी मेथी नहीं है बस। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो ये बोलेगा। स्वाद है, स्वाद है वैसे। चल बढ़िया है, बढ़िया। तो अभी हम फ्रीडम कैफे से निकले हैं बाहर, तो अभी हमारे जो गोस्ट स्टॉप्स हॉस्टल है वहाँ पे हो रहा है बॉनफायर, तो अभी वहाँ जा रहे हैं हम वापस अपने हॉस्टल, और लेट्स गो एंड एंजॉय द बॉनफायर। मॉर्निंग एवरी वन, और ये है नेक्स्ट डे आज मेरे ट्रिप का। एंड दोस्त लोग तो अभी बहुत सो रहे हैं क्योंकि रात को बहुत हमने करी मस्ती। और ये थी मेरी बाइक, और मैं निकल रही हूँ लेकिन घर के लिए। कह तो रहे थे वो लोग कि कल जाना कल जाना, मैंने कहा यार इतने पास होके होटल में रहना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा घर जाती हूँ। सो अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए, और अभी मॉर्निंग बहुत ही प्यारी हो रही है, रास्ते में कुछ अच्छे शॉट्स आएंगे, सो वी विल कैप्चर, बाकी फिर ब्लॉग वहीं एंड करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो आई डेफिनेटली रिकमेंड गोस्ट स्टॉप्स, अगर आप आ रहे हो अकेले या एक दो फ्रेंड्स के साथ। सो गोस्ट स्टॉप इज़ अ वेरी कूल एंड चिल प्लेस, सो डू विजिट इट। एंड ऋषिकेश भी आओ, मज़ा आता है। मतलब ये ऋषिकेश मैंने बहुत ही अलग एक्सपीरियंस करा है, बहुत ही अलग। ऐसा कभी सोचा नहीं था यार रात में पार्टी हो रही है और मस्ती ये सब। सो इट्स कूल फन। सो ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अलीशा थॉमस देहरादून, और हेलमेट कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। ओके बाय।